नमस्कार दोस्तों, सेक्स के अंदर लिंग के साइज का क्या महत्व है? क्या साइज मैटर करता है? फीमेल की सेटिस्फेक्शन के लिए, किसी औरत की चरम सुख तक पहुंचने के लिए क्या लिंग के साइज का कोई महत्व है? ये ना इतना कॉमन सवाल और ऑलमोस्ट हर पेशेंट के मन में ये सवाल होता है और ये डर भी होता है, क्या साइज की वजह से मेरा पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है? इसी विषय के ऊपर आज मैं ये चर्चा करना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तरुण भारती, आपका सेक्सोलॉजिस्ट। सबसे जरूरी समझने की बात, अगर हम लोग किसी भी सेक्स क्रिया के अंदर जाते हैं तो मेल और फीमेल दोनों का सेटिस्फेक्शन मैटर करता है। एट द एंड ऑफ द एक्ट, सेक्स करने के बाद क्या पुरुष और स्त्री रीच द ऑर्गेजम, चरम सुख तक पहुंच पाए हैं? अगर पहुंच पाए हैं तो ठीक, अगर नहीं तो क्या कारण हो सकते हैं और उन कारणों में क्या साइज भी एक कारण है? ये सवाल अक्सर हमारे से पूछे जाते हैं, या बहुत सारे मेरे पेशेंट्स आके ये सवाल भी हमारे से करते हैं कि फीमेल पार्टनर की वजह से ये सवाल आया है कि जब भी उसकी पेनिट्रेशन होती है योनि के अंदर, जब भी लिंग जाता है तो उसको कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होता, क्या ये उसके साइज की वजह से प्रॉब्लम है या फीमेल चरम सुख तक क्यों नहीं पहुँच पाती है? इसके लिए ना सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि स्त्री के यौन अंग, जो जेनिटेलिया, फीमेल जेनिटेलिया है, उसकी संरचना किस तरह की है। इसको ना दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम लोग। फीमेल जेनिटेलिया की बात कर रहा हूँ, स्त्री के यौन अंगों की, कुछ जो बाहर से विजिबल हैं, कुछ जो अंदर की तरफ हैं, जो बाहर से विजिबल नहीं हैं, जो बाहर से नहीं दिखाई देते। लीबिया मैजोरा जो बाहर से फोल्ड दिखाई देता है, लीबिया माइनोरा उसको हटाएंगे तो उसके ऊपर एक क्लाइटोरिस वाला हिस्सा होता है जहाँ पे बहुत सारी नर्व्स, नसें होती हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सेंसेशन फीमेल को होती है, और इसके आगे वाला हिस्सा होता है वेस्टिब्यूल बोलते हैं, जो कीप की तरह होता है, उसके आगे का हिस्सा होता है जिसको वजाइना या योनि कहा जाता है, वो इंटरनल हिस्से में आएगा, वो बाहर से विजिबल नहीं होता और वो जो बच्चेदानी होती है उसके मुँह तक जाता है। ये एक योनि जो है एक पैसेज, एक रास्ते की तरह काम करती है लिंग के लिए सेक्स के दौरान। अभी जब भी हम लोग सेक्स के लिए जाते हैं ना, तो जो भी हमारी मूवमेंट होती है उसकी सेंसेशन कहाँ तक जाती है? फीमेल को जो भी सेंसेशन जाती है वो सिर्फ वेस्टिब्यूल तक जाती है, सिर्फ वेस्टिब्यूल तक, अर्थात ये शरीर का या फीमेल जेनिटेलिया का वो हिस्सा है जो आउटर वन थर्ड है। इनर टू थर्ड हिस्सा योनि का हिस्सा होता है, वजाइना का हिस्सा होता है, जो कि एंडोडर्म से जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है ना, उसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो उसमें वो जो हिस्सा एंडोडर्म से डेवलप होता है उसके अंदर किसी भी बाहरी वस्तु का टच या खिंचाव महसूस नहीं होता है, ये सिर्फ एक्सटर्नल हिस्से में महसूस होता है। ये बिल्कुल ऐसा समझो जैसा कि हम लोग जब भी कोई चीज़ खा रहे हैं, नमक है, मिर्च है या कोई भी ऐसी चीज़ है, क्या वो गले से आगे हमें पता लगता है? उसका स्वाद हमें सिर्फ मीठा है, कड़वा है, वो हमें सिर्फ गले तक पता लगता है, गले के आगे सेंसेशन नहीं होती। सिमिलरली फीमेल जेनिटेलिया के अंदर, इनर टू थर्ड के अंदर ये सेंसेशन नहीं होती। जब इस तरह की कंप्लेंट आती है कि सर फीमेल सेटिस्फाइड नहीं फील करती है, बहुत सारे कारणों में, एक कारण हम लोगों ने ये भी देखा है कि ये रॉन्ग टेक्निक भी हो सकती हैं। अदरवाइज क्या ये लिंग का छोटापन समस्या होती भी है? बिल्कुल होती है। प्रॉब्लम को मेडिकली हम लोग हाइपोगोनेडिज्म बोलते हैं। हाइपोगोनेडिज्म मतलब लिंग का प्रॉपर ग्रोथ ना होना, वृषण का, आपके टेस्टिस का प्रॉपर ग्रोथ ना होना। कारण होता है मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऐसा मेल सेक्स हार्मोन जो आपके लिंग में, आपके वृषण में, आपके आपके टेस्टिस में ग्रोथ पैदा करता है, जो आपके शरीर के अंदर मेल करेक्टरिस्टिक्स को पैदा करता है। जब भी ये कमी होती है तो क्या होगा? जब मेल के अंदर हाइपोगोनेडिज्म वाली प्रॉब्लम होगी तो उसको शरीर से बाल कम हो जाना, चेस्ट का बढ़ जाना, सेक्स की इच्छा ना होना, पेट का बढ़ जाना, औरतों जैसी आवाज़ हो जाना, और ये करेक्टरिस्टिक ना सामने से देख के आप इजीली बता सकते हो कि इस पुरुष के अंदर ये कमी है, और इसका डायग्नोसिस प्रॉपर करके, ब्लड टेस्ट करके, एडम्स टेस्ट करके उसके डायग्नोस किया जा सकता है और उसका ट्रीटमेंट भी संभव है। तो इसलिए
अगर आप किसी ऐसी समस्या से पीड़ित हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका साइज डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम कर रहा है आपके सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के अंदर या आपके पारिवारिक संबंधों में, आपके शारीरिक संबंधों में, आपके शादीशुदा जिंदगी में कड़वाहट ला रहा है, तो आप हमसे इस चीज़ को लेकर संपर्क कर सकते हैं। हम उसका उचित समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।